सब्सक्राइब करें अयुब टेक को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस वीडियो में हम सीखे हैं कि हम अपने ब्लॉगर के ब्लॉग में यूट्यूब का स्टाइलिश बटन कैसे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह हमारा ब्लॉगर का ब्लॉग है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे ब्लॉग में यूट्यूब का स्टाइलिश बटन लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमारा यूट्यूब का स्टाइलिश बटन का कहने का मतलब यह है कि आप इस तरीके से लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन यूट्यूब पर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। इससे जो व्यूअर होगा, जो देखने वाला आपकी पोस्ट होगा, वो आपकी पोस्ट को पढ़ेगा और इसको भी ज़रूर पढ़ेगा और आपके यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। इसलिए इसका ये फ़ायदा है कि आप अपने ब्लॉगर के ब्लॉग में यूट्यूब का स्टाइलिश बटन ज़रूर लगाएँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं और अपने ब्लॉगर के ब्लॉग में यूट्यूब का सब्सक्राइब बटन लगाना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स अभी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अपने ब्लॉगर के ब्लॉग में यूट्यूब का स्टाइलिश बटन लगाने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्लॉगर अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर हम अपने ब्लॉगर अकाउंट में लॉगिन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ब्लॉगर अकाउंट में लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको न्यू पोस्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप न्यू पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको न्यू पोस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ आपको यहाँ पर क्या लिखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने किस तरीके से लिखा है अपने यूट्यूब सब्सक्राइब बटन के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्सक्राइब टू अयुब टेक और यहाँ पर हमने नीचे लिखा है हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन यूट्यूब पर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर आपको न्यू पोस्ट में आपको इस तरीके से लिखना है। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको किस तरीके से लिखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको इस तरीके से लिखना है सब्सक्राइब टू और आपके जो यूट्यूब का चैनल का नाम है आपको लिखना है और यहाँ पर आप नीचे गैप करके यहाँ पर आप लिखेंगे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन यूट्यूब पर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। आप यहाँ पर जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आपको इसको सेंटर में लिखना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो लिखा है सब्सक्राइब टू अयुब टेक, तो ये जो वर्ड है ये हमने सेंटर में लिखा है। तो आपको सेंटर में लिखने के लिए आपको इसका उपयोग करना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सेकंड वाले पर क्लिक करना है तो जो भी आपने लिखा है वो सेंटर में आ जाएगा। और यहाँ पर आपको इसको डिज़ाइन कर लेना है, यानी कि आपको इसको कलर कर लेना है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ऊपर में, इसको आपको हेडिंग में लिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इसको हेडिंग करके रखा है, ये देख सकते हैं यहाँ पर हेडिंग ये सिलेक्ट है। यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अपना यूट्यूब का सब्सक्राइब बटन ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब का सब्सक्राइब बटन का एक कोड चाहिए होगा। तो सबसे पहले आपको एक न्यू टैब ओपन करना है। तो यहाँ पर हम न्यू टैब ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आपको सर्च करना है यूट्यूब सब्सक्राइब बटन। तो यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं यूट्यूब सब्सक्राइब बटन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको यूट्यूब सब्सक्राइब बटन लिख कर सर्च कर देना है और यहाँ पर आपको इसको सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको इसको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक वेबसाइट मिलेगी developer.google.com। तो यहाँ पर आपको इसी वेबसाइट पर जाना है। मैं इस वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट आ सकते हैं या आप यहाँ पर डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। तो आपको इसी वेबसाइट को ओपन करना है। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगर अ बटन। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसको डेस्कटॉप मोड पर कर लेना है ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर हम इसको डेस्कटॉप मोड पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इसको डेस्कटॉप साइट को अनेबल कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डेस्कटॉप मोड पर आ चुका है ये पेज। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन में आपको चैनल नेम और आईडी, तो यहाँ पर आपको चैनल नेम और आईडी के सेक्शन में आपको अपने यूट्यूब चैनल का आईडी डालना है। तो वो आपको कैसे मिलेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब चैनल में लॉगिन करना है अपने ब्राउज़र में। तो यहाँ पर अपने ब्राउज़र में यूट्यूब चैनल को लॉगिन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने अपने YouTube चैनल में लॉगिन कर लिया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जैसे अपने YouTube चैनल में लॉगिन करेंगे और यहाँ पर आपको ऊपर अपने URL देखना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप जैसे URL पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपका जो आखिरी में कीवर्ड मिलेगा ये आपका चैनल का आईडी रहेगा। तो यहाँ पर आपको इसको आखिरी वाले को कॉपी करना है। तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आपको कॉपी करने के बाद यहाँ पर वापस आपको उसी पेज पर जाना है, यूट्यूब के सब्सक्राइब बटन वाले पेज पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम उसी पेज पर आ चुके हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको चैनल नेम और आईडी के ऑप्शन में अपना यूट्यूब चैनल का आईडी डालना है और यहाँ पर आपको इसको डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर हम इसको हटा के आप तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम अपने यूट्यूब चैनल का आईडी पेस्ट कर देते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको लेआउट के ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है फुल, तो जो आपको यूट्यूब का सब्सक्राइब बटन है वो फुल साइज में शो होगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको थीम ऑप्शन में इसको डिफॉल्ट ही सेट रहने देना है और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब काउंट का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आप इसको जैसा रखना चाहें वैसा रख सकते हैं। वैसे तो आप इसको शो रहने दीजिए, इसे जो आपके सब्सक्राइबर है वो यहाँ पर शो होंगे कि आपके कितने सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर। अब फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर प्रीव्यू आ चुका है। यहाँ पर जैसे हमने अपने यूट्यूब का चैनल आईडी डाला यहाँ पर इसका प्रीव्यू आ चुका है। अब फ्रेंड्स, आपको ये सब सेटिंग करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे एक कोड दिया जाएगा, तो यहाँ पर आपको इस कोड को कॉपी करना है। तो यहाँ पर हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं।
फ्रेंड्स ब्लॉगर में लॉगिन करने के बाद वापस आपको उसी पोस्ट को ओपन करना है जिसमें आपने ये सब लिखा था। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपना कोड कहाँ पेस्ट करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंपोज पे अभी सिलेक्ट है, यहाँ पर आपको HTML में क्लिक करना है। तो जैसे आप HTML में क्लिक करेंगे तो जो भी आपने लिखा था वो HTML कोडिंग में आ जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने लिखा था यहाँ पर HTML में आ चुका है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सबसे नीचे अपने YouTube का सब्सक्राइब बटन का कोड ऐड करना है, पेस्ट करना है, मतलब जो आपने वहाँ पर कॉपी करा था आपको यहाँ पर उसको पेस्ट करना है। तो यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर लेते हैं और हम आपको आगे बताते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने अपने YouTube का सब्सक्राइब बटन का कोड पेस्ट कर दिया है यहाँ पर हमने। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस तरीके से पेस्ट करना है, वापस आपको कंप्रेस पर क्लिक करना है, आपको उसको सेव पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको उसको प्रीव्यू करके देखना है कि जो आपको YouTube का सब्सक्राइब बटन है वो आया है या नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने अपने पोस्ट को प्रीव्यू करके देखा तो जो हमारा पोस्ट है यानी कि जो हमने लिखा था ये प्रीव्यू करके है तो सही आ रहा है, लेकिन जो हमारा YouTube का सब्सक्राइब बटन है ये सेंटर में नहीं आ रहा है, ये हमारा लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो आपको इसको सेंटर में लाने के लिए क्या करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको वापस उसी पोस्ट पर जाना है, तो यहाँ पर हम उसी को ओपन कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं वापस आपको HTML में क्लिक करना है। अब जैसे आप HTML में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक कोड पेस्ट करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको उसको सेंटर में लाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे जो आपने यहाँ पर कीवर्ड लिखा था यानी सेंटर में लिखा है तो उसका भी एक कोड बना होगा। तो वापस आप इसको HTML में क्लिक करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपने जो लिखा था यानी कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कोड बना हुआ है सेंटर का, यानी कि जो हमने लिखा है ये सेंटर में है तो इसका जो एक कोड बना हुआ है इसके ऊपर DIV स्टाइल टेक्स्ट एल्गिन सेंटर, तो यहाँ पर आपको इसको कॉपी करना है। तो सिर्फ आपको इसको कॉपी करना है, तो यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं फिर हम आपको आगे बताते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इस कोड को इस तरीके से कॉपी करना है, तो यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और जो आपने कोड और जो आपने YouTube का सब्सक्राइब बटन का यहाँ पर कोड पेस्ट करा था आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक हमारा YouTube का सब्सक्राइब बटन का यहाँ पर कोड है। तो यहाँ पर आपको जो YouTube का सब्सक्राइब बटन का कोड है आपको फर्स्ट लाइन को छोड़ के यहाँ पर आपको नीचे गैप करना है, तो यहाँ पर आपको नीचे गैप देना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस तरीके से गैप देना है। यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट के नीचे आपको वो कोड पेस्ट करना है जो सेंटर बटन का जो कोड है आपको वो पेस्ट करना है, तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सेंटर का कोड यहाँ पर डाल दिया है, तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से डालना है, स्क्रिप्ट के नीचे वाली लाइन में आपको इसको पेस्ट करना है, यानी कि जो स्क्रिप्ट है इसको नीचे आपको एक गैप देना है और यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। और यहाँ पर जो आप ये BR देख रहे हैं BR वाला टैग देख रहे हैं ये जो लाइन है ब्रेक करने के लिए लाइन होता है, सेकंड लाइन में स्टार्ट करने के लिए BR का कोड लगाया जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इसको पेस्ट करने के बाद यानी कि सेंटर कोड को पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप सेव करेंगे तो जो आपको यानी कि जो आपकी पोस्ट है वो सेव नहीं होगी, तो यहाँ पर आपके सामने एक एरर शो होगा, तो वो आपको क्या करना है यहाँ पर आप देख सकते। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो आपने यहाँ पर सेंटर वाला कोड पेस्ट करा था तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर DIV से शुरू हुआ है तो इसको DIV से आपको यहाँ पर इसको बंद करना है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, तो यहाँ पर आपको DIV यहाँ पर जैसे आखिरी में आप देख सकते हैं DIV/DIV है, आपको इसी तरीके से इसका कोड जो है सेंटर वाले कोड को बंद करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले 2 DIV थे, हमने यहाँ पर सेंटर वाले कोड को भी यहाँ पर इसको बंद कर दिया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देख सकते हैं आपको इसी तरीके से इसको बंद करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं /DIV है, हमने इसको अंदर बंद कर दिया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इसको करने के बाद यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर हम सेव पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो एरर आ रहा था इस पोस्ट में वो ठीक हो गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप इसको प्रीव्यू करके देख लीजिए कि आपको जो पोस्ट में जो सब्सक्राइब बटन है यूट्यूब का वो सेंटर में आ रहा है या नहीं, तो यहाँ पर हम इसको प्रीव्यू करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा YouTube का सब्सक्राइब बटन है वो सेंटर में आने लगा है। तो आपको इसी तरीके से अपने YouTube का सब्सक्राइब बटन सेंटर में लाना है। अब आपको उसको अपने ब्लॉग में कैसे लगाना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब फ्रेंड्स आपको वापस उसी पोस्ट में जाना है जो आपने क्रिएट कराया था, तो यहाँ पर हम उसी पोस्ट में चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हम उसी पोस्ट में आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो यूट्यूब का सब्सक्राइब बटन है वो भी ऐड हो चुका है और यहाँ पर जो हमने लिखा था वो भी यहाँ पर आ चुका है जो हमने यहाँ पर राइट करा था पोस्ट में। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपने यूट्यूब का सब्सक्राइब बटन अपने ब्लॉगर में लगाने के लिए यानी कि अपने ब्लॉगर के ब्लॉग में लगाने के लिए क्या करना है, आपको वापस HTML में क्लिक करना है। और HTML में क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो HTML की कोडिंग है यहाँ पर आपको सारा कॉपी करना है, यहाँ पर आपको जो यहाँ पर जो भी कोडिंग आएगी आपको उसको पूरा कॉपी करना है, तो यहाँ पर हम इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको ऑल सेलेक्ट कर लिया है, ऑल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको इसको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद वापस आपको इसको क्लोज कर देना है इस पेज को। और क्लोज करने के बाद यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पर आप जहाँ भी अपने ब्लॉगर के ब्लॉग में लगाना चाहते हैं अपने यूट्यूब का स्टाइलिश बटन यानी कि अभी हम यहाँ पर लेआउट में लगाना चाहते हैं यानी कि हम आप साइड बार में लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लेआउट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे
और यहाँ पर आप जहाँ भी लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम साइड बार में लगाना चाहते हैं अपने यूट्यूब का सब्सक्राइब बटन, तो यहाँ पर हम ऐड अ गैजेट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको HTML जावा स्क्रिप्ट पर क्लिक करना है। अब फ्रेंड यहाँ पर आपने जो कोड कॉपी करा था यहाँ पर आपको उस कोड को पेस्ट कर देना है, यानी कि जो हमने पोस्ट क्रिएट करा था उस कोड को, उस कोड के HTML को यहाँ पर हमें पेस्ट करना है। तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वो कोड यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेव अरेंजमेंट कर लेना है। तो यहाँ पर हम सेव पर क्लिक कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपने ब्लॉग को ओपन करके देखना है। तो यहाँ पर हम व्यू ब्लॉग पर क्लिक कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आप जैसे हमारा जो सब्सक्राइब बटन है, यूट्यूब का स्टाइलिश बटन है, यहाँ पर आ चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप इस तरीके से लगा सकते हैं अपने साइड बार में यूट्यूब का स्टाइलिश बटन। अगर आप चाहें तो अपने ब्लॉगर के सभी पोस्ट में भी अपना यूट्यूब का स्टाइलिश बटन लगा सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप अपने ब्लॉगर ब्लॉग के सभी पोस्ट में यूट्यूब का स्टाइलिश बटन लगाना चाहते हैं इस तरीके से, तो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिए, तो आप वो वीडियो देख कर अपने ब्लॉगर ब्लॉग के सभी पोस्ट में यूट्यूब का स्टाइलिश बटन लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस प्रकार से अपने ब्लॉगर ब्लॉग में यूट्यूब का स्टाइलिश बटन लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो डेली देख पाएँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।